हेलो स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स का नया एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसका एम होगा आपका टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए थिन वायर यूजिंग द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। आइटम रिक्वायर्ड होंगे इसमें आपके एक हीलियम नियॉन लेजर, थिन वायर जो कि आपका होल्डर में माउंटेड होगा और एक स्क्रीन। ठीक है, देखो ये आपके एपरेटस, ये आपका हीलियम नियॉन लेजर, ये आपका जो थिन वायर है आपको जिसको डायमीटर निकालना है वो देखो ये इसमें माउंटेड है होल्डर के अंदर, ये सामने स्क्रीन आपकी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस लेजर को सिंपल ऑन करना है। उसके बाद ऑन करने के बाद इस लेजर की रेज जो निकल के जाएगी उसके बीच में आपको ये वायर इस तरीके से रखना है कि सबसे पहले जो रेज निकल के आ रही है वो वायर पे फॉलो, देन वो स्क्रीन पे पहुंचनी चाहिए। तो जब आप इस तरीके से इसको सेटअप रखेंगे तो देखो इस तरीके से पैटर्न बन के आएगा। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न बन के आएगा, ये थोड़ा ब्लिंक कर रहा है। इधर देखो ये मिनिमाइज होंगे आपके, बीच में मैक्सिमा होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रीन और वायर इसके बीच की डिस्टेंस आपको रखनी है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्रीन और वायर के बीच की डिस्टेंस आप रखोगे जो कि आप स्केल से मेजर करोगे। ठीक है, मैं स्केल से मेजर कर लेता हूँ, ये 100 सेंटीमीटर पे मैंने इसकी डिस्टेंस कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये मैक्सिमा जो पॉइंट है, ठीक है, मैक्सिमा जो पॉइंट है इसको आप सर्किल करोगे डार्क पॉइंट को केवल। ठीक है, जो इसका डार्क पॉइंट है इसको सर्किल करोगे, उसके बाद इस लेजर को बंद कर दोगे और अभी जो आपने सर्किल किया है इसकी डायमीटर आप मेजर करोगे। जैसे सपोज इसकी जो डायमीटर है वो अप्रोक्स 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अभी मैंने जो ये रीडिंग ली है वो वायर और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है 100। सेकंड रीडिंग के लिए आपको क्या करना है, इस कंप्लीट सेटअप को, आपके लेजर प्लस वायर, इस कंप्लीट सेटअप को आप पीछे लेके जाओगे और स्क्रीन और वायर की डिस्टेंस को 150 पे रखोगे अब। ठीक है, ठीक है, दोनों दूसरी रीडिंग आप ले लोगे। उसके बाद तीसरी रीडिंग के लिए अगेन आप 50 सेंटीमीटर पीछे करोगे और 200 पे वायर और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस। थर्ड रीडिंग उसके बाद देखो ऑब्जर्वेशन टेबल आपकी, ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल है, डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन डी, ये 100, 150 और 200। उसके बाद डायमीटर, ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये यहाँ पे लिखना है। उसके बाद डायमीटर, डायमीटर का जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है वो है आपका डी इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन एक्स, जहाँ पे स्मॉल डी आपका डायमीटर है जो कि आपको निकालना है, लैम्डा ये आपके हीलियम नियॉन लेजर की वेवलेंथ है, कैपिटल डी डिस्टेंस है जो कि वायर से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस थी, और एक्स आपका डायमीटर है जो आपने स्पॉट साइज किया था। ठीक है, अब देखो फार्मूला आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। सपोज जैसे फर्स्ट रीडिंग आपकी आई थी 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, जो आपका डायमीटर आया था वो 0.3, ठीक है, और वेवलेंथ आपको गिवन है 6328 एंगस्ट्रॉम। इसको आप यूनिट चेंज करोगे क्योंकि आपकी सभी रीडिंग्स सेंटीमीटर में, तो इसको आप लिखोगे सेंटीमीटर में 6328 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद डायमीटर निकालना है, डायमीटर डी इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन एक्स। ठीक है, उसके बाद मैं सारी वैल्यूज रखता हूँ, 6328 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 100 अपॉन 0.3। आप इसको कैलकुलेट करोगे